So, Dr. Mayurika, you are a specialist in mental health and psychotherapy. So, I really wanted to ask a few questions. So, I have an audience of youngsters and I have my circle of youngsters, and I want to get into their mind as a mental specialist or a psychotherapist specialist के साइड से कि कैसे आपके पास इस टाइम पे बच्चों में क्या आप प्रॉब्लम देख रहे हैं, यंगस्टर्स में क्या प्रॉब्लम देख रहे हैं जो इससे पहले कभी एग्जिस्ट नहीं करती थी, विच यू आर ऑल्सो लाइक कि अरे ये क्या स्ट्रेस ले रहे हैं या इस वजह से क्यों आज की जनरेशन स्ट्रेस ले रही है, इट्स नथिंग. तो आई रियली वॉन्टेड टू नो अबाउट दिस. बहुत बढ़िया सवाल है और इस सवाल का मैं दो तीन हिस्सों में जवाब दूंगी। आज की जेनरेशन के पास जितना ज्यादा एफ्लुएंस है, विपुलता, एक्सेस, ये इससे पहले के किसी भी जेनरेशन के पास नहीं थी। आज की जेनरेशन के पास जितने ज्यादा रिसोर्सेस और इंफॉर्मेशन है वो पहले के किसी भी जेनरेशन के पास नहीं थी। लेकिन आज की जेनरेशन में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो वो फेस करते हैं वो है आइडेंटिटी लॉस, और एक बहुत इम्पोर्टेंट प्रेशर है आइडेंटिटी क्रिएशन का। पहले के जमाने में लोगों के पास एक फिक्स्ड गोल होता था कि आपको पैसे कमाने हैं, शादी करनी है, पैसे बचाना है, अपने पेरेंट्स को देखना है, अपने छोटे भाई बहनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। फिर उसके बाद के जनरेशन के लिए इम्पोर्टेंट हो गया कि वो अपना खुद का घर खरीदेंगे, क्योंकि वो अपने पेरेंटल होम से अलग निकलने लगे, बड़े शहरों में सेटल होने लगे। तो अभी जो पुश्तैनी मकान है वहां का उनको हिस्सा नहीं मिल रहा है, उनका घर नहीं है। सो देन हाउस बिकेम एन इशू। लेकिन अभी के जनरेशन के पास घर का इशू नहीं है, किसी को पढ़ाना नहीं है, इवन अर्निंग मनी इज नॉट सो मच ऑफ एन इशू। द प्रॉब्लम इज लैक ऑफ आइडेंटिटी। और जब हमको आइडेंटिटी की प्रॉब्लम होती है तो हम क्या करते हैं, किसी भी प्रॉब्लम में हम आजू बाजू देखते हैं कि दूसरे लोग क्या कर रहे हैं। हम आसपास देख के एक आइडिया बनाते हैं कि दूसरे क्या कर रहे हैं। नाउ अनफॉर्चुनेटली हमारा आसपास का मतलब है दुनिया के टॉप 1% परफॉर्मेंस। ओके, सो फिटनेस में जो टॉप 1% में है, पैसे कमाने में जो टॉप 1% में है, सोशल चेंज में, पॉलिटिक्स में, ये सारे जो टॉप 1% है वो हमारा सर्कल बन गया है। और हम इतने क्लोज नहीं है हमारे कजन से, हम कनेक्ट नहीं हो पा रहे हमारे बेस्ट फ्रेंड से। बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं उनका कोई बेस्ट फ्रेंड है ही नहीं, वो किसी से ऑफिस से बात ही नहीं कर पाते, जुड़ नहीं पाते, कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। लेकिन वो किससे कनेक्ट हो पा रहे हैं, ये टॉप 1% लोग जो एक्चुअली में रियलिटी में उनकी जिंदगी में नहीं है। सो कॉन्स्टेंट कंपेरिजन इज टॉप 1% के साथ, और फिर देखना कि मुझे होना तो उनके जैसा है लेकिन उनके जैसा होना मुश्किल काम है ना। और जब वो नहीं हो पाते तब उनके अंदर एक गैप आ जाता है कि भाई मेरा रियल सेल्फ यहाँ है और मेरा आइडियल सेल्फ वहां, मतलब कहीं तो है। तो जब इतना ज्यादा गैप आ जाता है कि मेरा रियल सेल्फ यहाँ और आइडियल सेल्फ वहां है, तो हमें ये गैप पसंद नहीं आता। And it becomes very difficult to accept oneself. क्या आज के ही टीन्स रिबेलियस हैं? ऐसा नहीं है, टीन्स हमेशा से रिबेलियस रहे हैं। क्या आज के ही टीन्स एक्सपेरिमेंट करते हैं? ऐसा भी नहीं है, टीन्स और यंग एडल्ट्स हमेशा से ही एक्सपेरिमेंट करते आए हैं। लेकिन आज के जमाने में जितने एक्सपेरिमेंट करने के ऑप्शंस अवेलेबल है लोगों के साथ वो बहुत ज्यादा है, और बहुत सारा एक्सपेरिमेंट ऑलरेडी हो चुका है, तो कुछ नया एक्सपेरिमेंट करने को बचता नहीं है। तो लोग ज्यादा से ज्यादा रिस्की एक्सपेरिमेंटेशन में चले जाते हैं। आई वुड नाउ एड अनदर एस्पेक्ट कि हम एक बहुत ज्यादा कैपिटलिस्ट दुनिया में भी जीते हैं, जहाँ पे एक्सेस जरूरी है, बहुत ज्यादा खरीदना जरूरी है ताकि बड़े कॉरपोरेशंस चलते रह सके। सो वेदर यू नीड इट और नॉट, इट हैज बिकम वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके हर ड्रेस के साथ मैचिंग जूता होना चाहिए। वेदर यू नीड इट और नॉट, इट हैज बिकम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको स्किन लाइटनिंग करानी है, अपने बियर्ड को ट्रिम करना है, अपने अपने बॉडी से, जहां किसी मूवी एक्टर के कंपैरिजन में आपकी बॉडी में फैट ज्यादा है तो वहां से फैट निकलवाना है, भले वो फिटनेस से हो, और अगर फिटनेस से नहीं हो रहा है
तो वो बॉडी इमेज जो हमको डिससैटिस्फाइड ही रखती है, हमारा जो पर्सनल बॉडी इमेज है उसकी वजह से हम ना खुशी रहते हैं, तो फिर हम सर्जिकल ऑप्शंस भी अपनाना शुरू कर देते हैं। हमें बताया गया है हमारी ये शक्ल ठीक नहीं है, तो हम फिल्टर्स यूज कर सकते हैं। लेकिन फिल्टर यूज करने के बाद जब मैं दुनिया से बात कर रही हूँ, और उसके बाद जब मुझे एक्चुअली जाके दुनिया से बात करनी है, तो मुझे डर लगने लगता है कि लोगों को दिखाई देने लगेंगे मेरे रिंकल्स, लोगों को दिखाई देने लगेगा मेरे स्किन का अनइवननेस। तो अब उसको ठीक करने के लिए या तो मैं कोई प्रोसीजर करवाऊं, हजारों क्रीम्स लगाऊं, और यू नो 7 स्टेप कोरियन रूटीन यूज करूं, आई यूज इट एज वेल एज आई सेड, यू नो इसका इन्फ्लुएंस सबके ऊपर है, सबके ऊपर। तो या तो आप उस चीज को करो, ओके, या तो फिर आप सर्जरी की कुछ एडवांस स्टेप अपनाना शुरू करो, क्योंकि अगर रूटीन से काम नहीं बन रहा है तो इंसान अपने एफर्ट्स को दुगना कर देगा और कुछ ज्यादा करेगा, फिर वो सर्जरी के लिए कुछ सर्जिकल करने की कोशिश करेगा, उससे भी काम नहीं बन रहा है, या फिर बहुत सारे लोग जो अफोर्ड नहीं कर सकते वो लोगों से मिलना ही बंद कर देते हैं, अपने घर में True. अंधे रहते हैं, अपने कैमरास के पीछे रहते हैं, अपने फिल्टर्स के पीछे रहते हैं, उनके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है, देर इज नथिंग रॉन्ग विद देम, बट दे थिंक देर इज एवरीथिंग रॉन्ग विद देम। उन्हें लगता है वो हर तरीके से कुछ कम है, कुछ लैकिंग है, और उन्हें लगता है कि उनके और उनके सक्सेस के बीच में उनकी खुद की पर्सनालिटी आ रही है, उनकी खुद की लैक ऑफ असर्टिवनेस या लैक ऑफ हार्डवर्क आ रही है, क्योंकि इन्फ्लुएंसर्स और गुरुज भी है ना यही मार्केट में, तो आपको बोलते हैं कि अरे क्या कर रहा है दोस्त, तू आलसी की तरह पड़ा है, तू इसलिए सक्सेसफुल नहीं हो रहा है क्योंकि तूने मेरा कोर्स नहीं खरीदा है, चल अभी तो मेरा कोर्स खरीद ले, और फिर 3 ही महीनों में तू रात और रात अमीर बन जाएगा, लखपति बनेगा, लड़कियों की लाइन लग जाएगी, सारे लड़के तुम्हें पसंद करने लगेंगे, ऑल यू नीड इज माई कोर्स एंड देन यू कैन गेट दैट 7 फिगर 8 फिगर। ये सब झूठ है, ये सब झूठ है। अगर वो खुद 7 फिगर 8 फिगर बना रहे होते और कंसिस्टेंटली बना रहे होते तो वो आपको मुर्गी नहीं बनाते। तो वी लिव इन दिस वर्ल्ड ऑफ लाइज, सो दिस कैपिटलिस्ट पार्ट इज ऑल्सो वेरी एसेंशियल पार्ट, तो अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल ऑफ दिस टूगेदर इज कमिंग एंड क्रिएटिंग अ लॉट ऑफ प्रेशर ऑन टीन्स एंड यंग एडल्ट्स, एंड माई हार्ट गोज आउट टू देम के दोस्त आप टीन हो यंग एडल्ट हो, आपके लिए डिफिकल्ट होगा ही होगा। मैं अपने लेट 30s में हूँ और इसका मुझ पे भी असर होता है, ओके, और मैं जिन लोगों के साथ काम करती हूँ उन पे असर होता है, और मेरे सीनियर्स के ऊपर, सबके ऊपर असर होता है। सो रियली माय हार्ट गोज आउट टू यू, आप और मैं इस चीज में है, एक साथ है, द ओनली थिंग दैट वी कैन डू अबाउट दिस क्रेजीनेस इज जस्ट बी अ लिटिल मोर अवेयर, थोड़ा और मेडिटेट कर लो, थोड़ा और अवेयरनेस ले आओ, ओके। अपने आप को टॉप 1% से कंपेयर मत करो, जो मैं कहती हूँ हमेशा अपने आप को अपने पुराने सेल्फ से कंपेयर करो कि मैं पहले कितने दिन जिम जाता था, अभी कितने दिन जिम जाता हूँ, ये भी नहीं कि मैंने कितना वजन कम किया है। डोंट लुक एट टारगेट गोल्स, टारगेट गोल्स है ना, मेरे को 10 किलो कम करना है इस साल के अंदर, मुझे 1 करोड़ कमा लेना है, ये है टारगेट गोल्स। आई वुड से गो फॉर प्रोसेस गोल्स एंड हैव मार्जिन ऑफ फेलियर। ये मार्जिन ऑफ फेलियर की बात है, आपको गुरुज नहीं करेंगे, मोटिवेशनल गुरुज वो हमेशा करेंगे लड़ जाओ, मर जाओ, कूद जाओ, फांद दो। आई वुड ऑलवेज से देखो मार्जिन ऑफ फेलियर रखो, यानी कि मुझे 100% परफेक्शनिस्ट के जैसे नहीं करना है, मुझे 80% करना है, या फिर और भी अच्छा, मुझे कल मैंने जो किया था ना उससे 5% बेटर करना है, 2% बेटर करना है। करते जाओगे अगर आप रोज 2% बेटर, 5% बेटर, तो आप देखोगे ओवर अ लॉन्गर कोर्स ऑफ टाइम आपको जो चाहिए था आपको उससे बहुत ज्यादा मिलेगा, लेकिन हाँ टाइम लगेगा। सो विद द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दीज थिंग्स, कि आप माइंडफुल बन जाइए, अपने पुराने सेल्फ से अपने आप को कंपेयर कीजिए, और प्रोसेस गोल्स बनाइए, और थोड़े थोड़े चेंजेस लाइए, मार्जिन ऑफ फेलियर रखिए कि 10 में से 10 दिन नहीं, 10 में से 8 दिन, 80% करेंगे हम, जैसे छोटे छोटे गोल्स, इंक्रीमेंटल प्रोग्रेस उसको मेजर करोगे तो मेरे ख्याल से हम बच ही जाएंगे, मतलब बच ही जाएंगे। बिल्कुल, ये वही बात है कि थोड़ी देर फोन रखो साइड में और थोड़ा बाहर देखो. बिकॉज आज मैं अगर इस लेवल पे हूँ, आई विल नेवर रिकॉर्ड माई सेल्फ व्हेन आई एम क्राइंग.
आई विल नेवर रिकॉर्ड माई सेल्फ कि ओ आज मैं फेल हो गई इस चीज में. आई विल कम अप एंड से कि आज मैं ये किया. बट ऑफकोर्स पीपल विल शेयर देयर बेस्ट वर्जन. अपनी फोटो सब वेकेशन पे ही डालेंगे, कोई घर पे बैठ के सब्जी काटते हुए, या फिर यू नो अपने बच्चे का खाना पैक करते हुए. नो वन इज गोइंग टू डू, येस अपार्ट फ्रॉम मॉम इन्फ्लुएंसर्स, दैट इज अ सेपरेट थिंग. बट यू नो अपार्ट फ्रॉम दैट, नो वन इज रियली शोइंग देयर स्ट्रगल ऑन सोशल मीडिया. एंड हमारी जो जनरेशन है इतनी एक्सट्रीम हो चुकी है, इतनी एक्सट्रीम दैट अ नॉर्मल स्कूल गोइंग गर्ल हु इज जस्ट गोइंग टू स्कूल, शी हैज नो आइडिया अबाउट ऑन डाइट और न्यूट्रिशन. शी इज जस्ट सीइंग हर फेवरेट एक्ट्रेस एंड जस्ट यू नो नॉट ईटिंग फूड, यू नो डूइंग ऑल सॉर्ट ऑफ बिजार डाइट्स जस्ट टू लुक लाइक दैट मॉडल, सो और लाइक दैट एक्ट्रेस दैट शी इज लुकिंग फॉरवर्ड टू. सो दिस इज ऑल इफेक्टिंग आर जनरेशन तो बिकॉज दे ये आर तो सो कॉन्फिडेंट. है कि यू नो शी इज द यंग गर्ल इज ट्राइंग टू लुक लाइक एन एक्ट्रेस, क्योंकि हम जस्ट इसी लेवल पे बोलेंगे ना तो हम लगे क्या बच्चे हैं, क्या है इसको एक्ट्रेस जैसे दिखना है. देयर इज अ रीजन शी इज ट्राइंग टू लुक लाइक समबडी पॉपुलर, बिकॉज शी थिंक्स अगर मैं ये कर लूंगी ना तो लोग मुझे अटेंशन देंगे, तो लोग, तो मेरे दोस्त, ये जो मेरे चार दोस्त है ना, जो मेरी गर्लफ्रेंड्स होंगी, मोटी हो गई है, बाल कटाए हैं, यू नो ये लोग मुझे छेड़ेंगे नहीं, ये लोग मुझे ताने नहीं मारेंगे, ये लोग मुझे अपने आप में इंक्लूड कर लेंगे. सो इट्स नॉट जस्ट दैट कि क्या तुमको एक्ट्रेस जैसा बनना है. हाँ अपनी उम्र देखिए, इट्स नहीं दैट मुझे बस अपने लोगों के बीच में, दूसरे दोस्तों के बीच में एक्सेप्ट होना है, और वो एक्सेप्टेंस सबके लिए इम्पोर्टेंट होता है. एग्जैक्टली, क्योंकि आजकल लुक्स जो सोशल मीडिया पे हम देख रहे हैं, बिकॉज जब सोशल मीडिया नहीं था एवरीबडी यूज टू सी देयर फ्रेंड्स एज द रॉ सेल्फ, एंड यू नो हर कोई कंपेयर नहीं करता था. एंड अब तो एक्ट्रेस छोड़ो, दे आर सो मेनी ब्यूटी इन्फ्लुएंसर एंड सो मेनी इन्फ्लुएंसर्स आउट देयर कि कंपैरिजन के लिए तो कोई बचा ही नहीं. यू डोंट नो दिस पर्सन, आपको इसका नाम भी नहीं पता, बट यू सी हर एंड इट्स लाइक वाओ शी इज सो प्रिटी, व्हाई आई एम नॉट लाइक दिस, व्हाई माई स्किन कलर नॉट लाइक दिस, व्हाई माई आईज इज नॉट लाइक दिस. एंड दिस बिल्ड्स अ नेगेटिव रिलेशनशिप विद देमसेल्स, देयर बॉडी, एंड यू नो जस्ट अराउंड विद देयर फ्रेंड्स ऑल्सो. इवन आपके दोस्त पहले तो मजाक मजाक में बोल देते थे कि मोटी, या मेरे इवन विद माय ब्रदर यूज्ड टू से मैं मोटी, इफ ही स्टे सेज दैट टू मी टिल दिस डेट आई विल टेक इट एज अ जोक, बट इन टुडेस टाइम एवरीबॉडी हैज टेकिंग दिस पर्टिकुलर थिंग टू देयर हार्ट कि वो बोला मतलब मेरे में कुछ कमी है. दे आर नॉट थिंकिंग ओ इट वाज जस्ट अ जोक, लेट इट गो. दे आर नॉट थिंकिंग इट्स एवरीथिंग. इवन पेरेंट्स आर बिकमिंग सो प्रोटेक्टिव अबाउट देयर किड्स एंड एवरीथिंग इज सो शेल्टर्ड फॉर देम, तो इसीलिए उनका हर्ट होने का चांसेस बहुत ही बढ़ चुका है इन टूडेज टाइम. दैट्स वाई दे आर गेटिंग हर्ट मोर. वो काफी चीजें नेगेटिव वे में कर रहे हैं. अगर वो खाना भी खा रहे हैं तो कुछ इतना एक्सेसिव भी खा रहे हैं, या फिर इतनी एक्सेसिव एक्सरसाइज कर रहे हैं. दे आर नॉट एबल टू फाइंड दैट फाइन लाइन बिटवीन, कि एक बैलेंस ढूंढने में उन्हें मुश्किल हो रही है. और हर कोई लोगों के सक्सेस देख के सोचता है काश मैं इस लेवल पे हूं, या इसने कैसे कर लिया, पर नोबडी नोज कि उसने कितना स्ट्रगल किया उससे पहले. वो उसको ऐसा तो है नहीं कि वो सुबह उठा ही गॉट दैट आइडिया एंड शाम तक ही एग्जीक्यूटेड इट एंड रात को ही वॉज बिलियनेयर. इट इज नॉट लाइक दैट. वो सालों साल का स्ट्रगल है विच आर जनरेशन एंड इज नॉट रेडी टू अंडरस्टैंड कि ओके दिस इज फाइन. इवन यू नो इफ आई टॉक अबाउट माई एक्सपीरियंस विद द फिटनेस इंडस्ट्री एंड जब मैं लोगों से बात करती हूँ विद माई क्लाइंट्स, देयर इशू इज कि आई डिड यू नो फैट डाइट्स, आई वॉज ऑन लिक्विड डाइट, आई वॉज ऑन दिस डाइट, आई वॉज ऑन दैट डाइट, मैंने जीएम डाइट की थी, बट यू नो थोड़ी देर बाद मैं फिर आई यूज टू सी माई सेल्फ ईटिंग अ टब ऑफ आइसक्रीम, यू नो. तो दे डोंट नो द बैलेंस कि मतलब आपको अगर फिट होना है तो आपको किसने कहा है दैट यू हैव टू स्टार्व योर सेल्फ. आई डोंट नो हु पुट दैट थॉट इन योर माइंड कि आपको अपने आपको स्टार्व करना है. यू जस्ट हैव टू ईट हेल्दियर, यू हैव टू ईट यू नो गो टू योर दादी दादा एंड आस्क देम व्हाट दे यूज्ड टू ईट एंड देल से कि हमारा तो यही बेसिक डाइट था, वी नेवर यू नो स्ट्रगल्ड विद वेट लॉस और वेट गेन, हमारे यही खाना होता था एंड वी हैड सो मेनी फिजिकल एक्टिविटीज. सो इट्स दैट बेसिक फिजिकल एक्टिविटी एंड ईटिंग हेल्दी, दैट्स इट. एंड फिजिकल एक्टिविटी डजेंट मीन कि आप सुबह गए यू हिट द जिम फॉर 2 आवर्स एंड नाउ यू आर स्लीपिंग द होल डे. नो, इट्स अबाउट बीइंग एक्टिव द होल डे एंड ईटिंग व्हाट यू रिक्वायर, जितना आपकी बॉडी को चाहिए. इफ यू आर एन एथलीट, एक एथलीट की 3 से 4 हजार की कैलोरीज होगी बिकॉज दैट पर्सन इज बर्निंग अ लॉट ऑफ देम. सो स्टॉप कंपेयरिंग योर सेल्फ एंड सी कि आप कहाँ स्टैंड करते हो. डोंट कंपेयर योर सेल्फ विद मी
or anybody else or your friend or your, you know, some athlete that is working. Wow, what a body. Oh, he's having steamed veggies, boiled like steamed veggies, boiled like boiled chicken. So now I'm going to have this. No, that's not how things work. That has a that guy has a personal coach. His life depends on his fitness. Okay, you have a gazillion things to do in the day, so you don't have to compare yourself with him or her. Ki, oh, unki diet itni specific hai. Even in my case, I tell people, please, I have the time to take care about my diet. You can. That's what I promote to people. You can meal plan. It's very simple. आप घर का खाना खाओ, सही हिसाब से खाओ, and keep yourself full. आप, I see people सुबह कुछ खाते नहीं, and then they are straight away at work, starved. Then they eat whatever they see. So this is what I tell people. Please don't get intermittent. कि आप जा रहे हो, and you know you are seeing certain people. Some sort of diet is on internet. आज ये trend हो गया, आज वो trend हो गया. Stick to your roots. It's as simple as that. Please stick to your roots. आप literally, if you'll follow your दादी दादा's diet, you'll see the change in yourself. And just have that physical activity in your life, which is going to really help you. So that's what my message is to, you know, this younger generation. And your thought was like, oh my God, she is telling everything that I've also seen with in my case, ki internet pe dekhe, because I'm also from that generation. So I used to see these videos of people do being successful. I also used to be like, oh shit, I have not done anything. But instead of seeing the positive side, we have this mentality of thinking that the grass is greener on the other side. It's always been the thinking, and aisa hi hota hai, comparison between you know, your celebrities, even people who are around you, it's become so constant. And that true friendship and that true relationship with people is also getting lost. But the moment you change your mentality, you are going to attract those positive people, and all these things you are hearing on social media won't affect you that much. So it was like a great insight on from your side, that how you feel as a mental health specialist. And yeah, it was great listening to you and your points, and it opened my mind to a different level. And now, you know, I'm going to share some of these things to my client who comes up saying that they want a body like someone else that is on social media, and they have not seen them in real life, but just because it's on social media. My pleasure. It was lovely talking to you too. And I hope we connect again. And I wish you all the best in your career. I wish ki aap bahut sare logo ko isi tarike se fitness ke liye influence kare, influencer banne ke liye nahi, lekin fitness ke liye khud fit rahenge, to lamba jiyenge, bahut khush rahenge. Thank you so much. And wish you best in life.